तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के बाना में एक बार फिर दहेज लोभियों के द्वारा एक नवविवाहिता को बेरहमी से अमानवीय तरीके से मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उनकी बेटी को पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। मामला बाना जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के का है, जहां पर नवविवाहिता को दहेज की लालच में ससुराल जनों ने मौत के घाट उतार दिया। कौन है खत्म हुए हैं जो आपके लड़की की थी, क्या नाम था उसका? दीपा, दीप्ति। कैसे खत्म हुई है? फांसी लगा के खत्म हुई है। आपको कैसे मालूम चला? तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा आपकी लड़की के साथ? कौन कह रहा था ये बात? सास। क्या नाम है सास ससुर का? अच्छा, और सास का क्या नाम है? अच्छा, आपको काफी दिन से लड़ाई चल रही थी आपने बताया। कैसी लड़ाई चल रही थी, किसके लिए, कहे के लिए लड़ाई चल रही थी? जो खत्म हुई है वो आपकी कौन थी? क्या नाम था उनका? देवी। कैसे खत्म हुई है? ये लोग मतलब इन लोगों ने जान के फांसी लगा के खत्म की, एक एक फांसी नहीं लगाई, ये लोगों ने तीन तीन करके फांसी लगाई है। कैसे आपको मालूम चला? हम लोग सर 8 बजे फोन पहुंचा। हम लोग वहाँ रगौल में थे, रगौल में शादी कर रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना की थाली तलाई। इसके बाद जब हम लोग मतलब फिर ट्रेन थी, हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा। हम 11:30 बजे यहाँ बांदा पाए, फिर इसके बाद सुबह हम पहुंचे हैं, 8 बजे पहुंच गए वहाँ। तब इन लोगों ने छोड़ छाड़ के पहले से रख लिया था उसी को, लाश को, और बस सर बस इतना है। क्या क्यों का कारण क्या है, आप कुछ जानकारी है आपको? जी सर, इन लोग मतलब यही वो कर रहे थे कि हम लोगों को मतलब पैसा नहीं दिया गया है। पहले 5 लाख रुपए दिया गया है, इसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि अभी और पैसा चाहिए हम लोगों को, हमें इतना नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, वो नहीं, यही कर रहे। किससे मांग कर रहे थे लोग? ये लोग हमारे मम्मी पापा से मांग कर रहे थे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना।